आपको लंच लंच में मैंने आज बनाया था एक बिरयानी। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। अंडा बिरयानी का रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और इस बिरयानी में मैंने एक चीज़ ऐड किया था, एंड में मैं थोड़ा सा काजू किशमिश ऊपर से डाल दिया था, मुझे लगा कि अच्छा लगेगा इसीलिए। और मैं थोड़ा सा मतलब खुश कम हूँ क्योंकि वेदर जो है ना वो अचानक से बहुत फ्लैक्चुएट कर गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं सुबह को 7:30 बजे उठी थी, आज देर हो गया था, तो इतना कड़क धूप था ना, देख के लग रहा था कि अभी 12 बज रहा है, इतना धूप था। मेरे हस्बैंड ऊपर से, हमारा लिफ्ट खराब हो गया है, मेरे हस्बैंड दोपहर को खाने को आता है, वो आके इतना उसका मतलब ऐसा कर रहे थे, पूरा लाल हो गया था, पर क्या करे। और ऐसे जब वेदर बहुत फ्लैक्चुएट करता है ना, मेरा बॉडी वो ले नहीं पाता है, स्किन हेयर थोड़ा सा रफ हो जाता है। जैसे आप बताते हो कि मेरे स्किन ग्लो करता है, पर आज देखो बहुत ही रूखा, ऐसे भी मुस्कुराऊंगी ना तभी भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं बहुत ऐसे फील कर रही हूँ। मेरा हेयर और देखो कितना रफ हो गया, बहुत रफ हो गया अभी, मतलब 4-5 दिन मेरे बॉडी को टाइम लगता है इस वेदर में हैबिचुएट होने में, उसके बाद से फिर नॉर्मल होगा। छोड़ो वो सब बातें, मैं अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको कि आज मैं बनाऊँगी मोमो, मेरा वही यूनिक वाला इजी स्टाइल से आपको दिखाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगे। सो मोमो के लिए पहले बनाया जा रहा है मैदे की डो। सो मैदे की डो में पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से ये जो ना थोड़ा सा अच्छा बनता है मैदे की डो, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल डालना पड़ता है। और यहाँ पे करीब 300 से 400 ग्राम मैदा है, और थोड़ा सा नमक भी डालना जाता है क्योंकि थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है टेस्ट में। और थोड़ा सा हम चीनी भी डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के जैसे हम डो बनाते हैं वैसे ही बनाता जाएंगे। सो ये रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको अभी मैं ढक्कन लगा के आधे एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। सो अभी इसको रेस्ट करने देते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इजीली घर पे आप चिकन मोमो बना सकते हैं। तो चिकन मोमो ना हम पहले ऐसा करते थे, चिकन को फ्राई करके बनाते थे, पर मैं अभी कच्चा चिकन की कीमा बनाऊँगी उसके बाद मोमो बनाऊँगी, दिखाऊँगी, थोड़ा सा इंतज़ार करो। सो उधर आटा मेरा सेट हो गया है, यहाँ पे मैंने 4 से 5 बोनलेस पीसेस चिकन लिया है। जैसे घर पे नॉर्मल से चिकन जब हम लेके आते हैं तो ऐसे बोनलेस पीस तो 4-5 रह ही जाता है, तो उन सारे पीसेस को मैंने अलग करके रखा है। तो दो टेक्निक है, आप चाहे तो इसको चॉप कर सकते हैं एकदम फाइनली, जैसे मैंने अदरक और जिंजर का एकदम फाइन चॉप किया है, और अगर आप चॉप नहीं कर सकते हैं तो इसको मिक्सी में डाल के हल्का सा ब्लेंड कर लेने से भी ये बन जाएगा, जस्ट लाइक सो। ये एकदम पूरा कीमा बन चुका है, बस बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने से नहीं बनता, थोड़ा सा एक दो बार 10 सेकेंड तक चला लीजिए मिक्सी में इसको डाल के। और चिकन के लिए मैंने क्या क्या चॉप किया है मैं दिखा देती हूँ। मैं फाइनली चॉप किया है टमाटर, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा ज़रूरी होता है। और मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन को अलग अलग से चॉप करके आपको लोगों के लिए दिखाने के लिए किया है। ये ग्रीन पार्ट्स है और ये वाइट पार्ट्स है, तो वाइट पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा है और मैंने फाइनली चॉप किया है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप नॉर्मल अनियन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिंजर, इतना सा जिंजर को चॉप किया है, 3 बड़े गार्लिक को चॉप किया है, 1 बड़ा हरी मिर्च को चॉप किया है, और सारी चीज़ों को मैंने फाइनली चॉप किया है। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब मैंने लिया है मीट मसाला, तो सारी चीज़ों को भी मैं मिक्स करूँगी। और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच के करीब, ताकि थोड़ा सा बाइंडिंग भी हो जाएगा इससे। और मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, और मैं अपने हाथों से सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। सो
आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत बड़ा सा रोटी काइंड ऑफ बना दिया है उस डो से जो मैंने आपको दिखाया बनाना। तो इसको बहुत ही पतला सा बनाना है क्योंकि मोमो का जो ये शीट होता है वो बहुत पतला सा होता है। तो एक ग्लास लिया है मैंने और इसके मदद से मैं चारों साइड में इसको ऐसे लगा के ऐसे कर रही हूँ। इससे मेरा एक एक जो शीट है वो बनता जाएगा। राउंड राउंड शेप में बनाना है। कोई भी आपके पास ग्लास या कटोरी हो आप उसे ऐसे बना सकते हैं। और इसको ऐसे एक एक करके उठा के मैं रख रही हूँ। मैंने कटोरी पे थोड़ा सा पानी लिया है। वैसे मैंने ऑयल डाल के जो है ये डो बना मतलब बेला था तो इसीलिए ऑयल अगर ज्यादा है तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं थोड़ा सा पानी इन किनारों में पहले लगा लूंगी। और इस स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी ये जो स्टफिंग मैंने बनाया है। बस थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, ये तो अच्छा नहीं बनेगा, ये टूट सकता है। तो मैं एक दो टाइप मैं आपको दिखाती हूँ मोमो बनाने की, मतलब कैसे शेप दे सकते हो आप। और इसके बाद मैं सारे किनारों को ऐसे प्रेस करूंगी ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपक जाए और थोड़ा सा ये थिन बन जाए। सो ये हो गया है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, इन दोनों साइड को लेना है, थोड़ा सा पानी इन दोनों साइड में लगाना है और इन दोनों साइड को ऐसे जोड़ देना है। और इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए तो ये बन जाएगा, जस्ट लाइक मैंने एक और पहले भी बनाया था इस तरह से ये बन जाएगा। और एक मैं दिखाती हूँ आपको, अगेन थोड़ा सा मैं पानी लगा लूंगी, थोड़ा सा स्टफिंग डाला मैंने। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, एक साइड से मैं स्टार्ट करूंगी, पहले एक साइड को मैं प्रेस करूंगी। मैंने एक प्लीट लगाया जैसे पल्लू पे लगाते हैं, फिर एक प्लीट लगाया, फिर इसके साथ लगाया, फिर एक प्लीट लगाया, फिर इसके साथ लगाया, फिर मैंने एक प्लीट लगाया और फिर से इसके साथ लगा के इसको मैंने रोल कर लिया है। तो इस तरह से ये बन गया है। और एक बना के दिखाती हूँ। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज आप बताना कमेंट करके। मुझे ये वाला शेप ज्यादा पसंद है और ये वाला भी पसंद है। तो कुछ उस शेप में बनाऊंगी, कुछ इस शेप में बनाऊंगी मैं और एक दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको ये करने में थोड़ा सा हेल्प हो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। देख के लगता है कि बहुत ईजी है, अरे मैं तो फटाफट करूंगी, पर ये करने में उतना ईजी नहीं होता है जितना हम YouTube में या Facebook में बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं। उतना आसान नहीं होता है बनाना। तो इस तरह से बनाइए। ये वाला सबसे इजी होता है, आप इसको जस्ट प्रेस करो और इस तरह से साइड को पहले थोड़ा सा थिन कर लो, चिपक भी जाएगा और थिन भी हो जाएगा। जब ये ऐसा हो जाए तब अब दोनों साइड को ऐसे लगा दो और ये बन जाता है। सो सारे मोमोज जो है वो बन चुके हैं। तो ज्यादातर मैंने यही शेप में बनाया क्योंकि इजी होता है
और बहुत सारी ये थोड़ा बड़ा बड़ा दो बनाया, मेरे हस्बैंड को बड़ा मोमोज पसंद है तो इसीलिए। सो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ तो जो आपको शायद ही कोई बताएगा, जिसके लिए आप लोग मुझे इतना फॉलो करती हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप मोमो के अंदर स्टफिंग डाल रहे हो ना, उसके बाद हाथ धो के फिर उसको रैप करो, नहीं तो वो जो स्टफिंग का गीलापन होता है ना, वो हाथों में अगर लग जाता है तो रैप करने में दिक्कत होती है, जैसे आपने देखा होगा। सेकेंड चीज़, जिस प्लेट में आप मोमोज को रख रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर पहले थोड़ा सा आप मैदा डस्ट कर लो। उससे क्या होता है कि इस प्लेट में मोमोज, जिस प्लेट में आप रख रहे हो वो चिपकेगा नहीं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है तो वो नहीं होगा, तो ये दो गलती मत करना। सारे मोमोज को मैंने इडली मेकर में, जो इडली स्टैंड होता है उसके ऊपर, थोड़ा सा ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के आप डालो, तो इस तरह से मैंने बिछा दिया है और अभी मैं एक के ऊपर एक को सेट कर दूंगी। और अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप क्या करोगे? आई नो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसकी भी आंसर कर देती हूँ कि अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि जनरली सबके पास नहीं रहता है। इधर पे आप अगर इडली मेकर नहीं है तो एक कढ़ाई लीजिए, इसके अंदर पानी डालिए और ऐसा एक स्टैंड लगाइए, फिर इसके ऊपर आप एक प्लेट को, जिस प्लेट में आपने मोमो बनाया है, ये प्लेट बड़ा है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, पर एक छोटा सा प्लेट इसके अंदर रख दीजिए और नीचे पानी रहेगा जिससे स्टीम आएगा, और ऊपर से एक ढक्कन को आप लगा दीजिए, और इस तरह से अगर आप 10 मिनट पकाओगे तो सेम हो जाएगा। जब तक मेरा मोमो बन रहा है तब तक मैं मोमो की चटनी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 6-7 लहसुन लिया है बड़े पीस मतलब साइज का, और एक टमाटर लिया है मीडियम साइज का, तो इस सारे चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और इसको ऐसा कच्चा ही बनाते हैं। और ये 3 सूखी लाल मिर्च को मैंने पानी में थोड़ा सा रख दिया था, मतलब ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, आप चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसको ब्लेंड करूंगी और मेरा चटनी तैयार हो जाएगा। मेरे मोमोज जो है वो 10 मिनट के अंदर ही पक जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मोमोज जो है वो पक गए हैं। तो ये मेरा कच्चा मोमो है, एक राउंड हो गया है और एक राउंड में मैं ये बाकी करूंगी, तो आप इन दोनों के कलर में डिफरेंस देखिए, ये पूरा व्हाइट है और ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें से मसाले नहीं दिख रहे हैं आपको, और इसमें से देखिए अंदर की स्टफिंग आपको दिख रहा है। जब ऐसी सिचुएशन में आ जाए तब समझ लेना कि आपके मोमोज पक गए हैं। मैं सेकेंड राउंड लगा देती हूँ। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अंदर की स्टफिंग देखिए, एकदम ऐसा ही होता है ना दुकान में, तो चिकन को फ्राई करके करोगे ना तो ऐसा नहीं बनेगा, कच्चा ही बनाना पड़ता है। बहुत अच्छा बनाया है, क्या बनाओ चाहे खूब बलो बलो खूब बलो दुकान तेल वो बाबा। पता है मेरे हस्बैंड को ना मोमोज पसंद नहीं है, मतलब फ्राइड मोमो बहुत पसंद है, पर नॉर्मल मोमो वो नहीं खाते, बट उसको भी बहुत अच्छा लगा, बोला हाँ एकदम दुकान जैसे बनाए हैं आप तुमने। अच्छा लगता है जब कभी कोई ऐसे आपकी वो करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपको ऊपर चलाते हैं ना कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसा आपको अच्छा लगेगा। पहली बार मैंने, एक्चुअली पहली बार नहीं बोलूँगी, मैंने इससे पहले एक बार शेफ अली दी के घर में वो भी वेज मोमो बनाते हुए देखा था, पर वेज मोमो एकदम अलग होता है, चिकन मोमो के जैसे नहीं होता है, क्योंकि पूरा अलग होता है, फ्राई करके वो बनाते हैं वेज मोमो, पर चिकन मोमो मुझे बहुत पसंद आया, रियली बनाऊंगी कभी कभी, फिर उनको भी अच्छा लगा है, मम्मी को भी अच्छा लगा है। और बहुत सारा ना डो बच गया है, स्टफिंग तो खत्म हो गया है पर डो बच गया है, देखते हैं क्या करती हूँ उसके साथ। Thank you.
मैं और मम्मी थोड़ा सा निकले हैं और मैं ऐसे, आपको तो पता है ये करना पड़ता है मुझे, एक पिंपल्स आ गया है इधर पे पता है, क्योंकि मैंने एक दिन नहीं लगा के निकली थी। अभी थोड़ा सा फिश या थोड़ा सा छोटा मोटा खरीदना पड़ता है ना हर रोज़, वही आलू वगैरह वही लेने जा रहे हैं। कितनी वियर्ड लगता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जब भी मैं दुपट्टा ओढ़ के आ जाती हूँ आती हूँ। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, कल मैंने लगाना, एक्चुअली मैंने सोचा कि कल छोड़ दो 10 मिनट के लिए निकल रही हूँ, कोई कुछ नहीं होगा, बस नहीं लगाया था, देख रहे हो आप आ गया। 10 मिनट के लिए भी नहीं लगा के मैं जाती हूँ तो पिम्पल्स आता है, तो मैं क्या करूँ यार। उफ, मैं मतलब मुझे इतना बुरा लगता है वो लगाना, कैसे ऑकवर्ड लगता है कि क्या बताऊँ मैं। वैसे इधर पे सभी ऐसा करते हैं। मैं जाने से पहले आलू बॉयल करके रखे गई थी, क्यों बताती हूँ चलो। यू कैन सी चटनी बच गया है थोड़ा सा, उतना चटनी मतलब थोड़ा सा चटनी बनाना बहुत मुश्किल की बात होती है। और सॉरी, ये मैदे की डो भी रह गया है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आलू की पराठा बना लेती हूँ, तो चटनी भी यूज़ हो जाएगा, मैदा भी यूज़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने आलू जो है वो ऑलरेडी बॉयल करके ही मैं गई थी। पूरा दिन ना मतलब हमने सुबह को खाया था चाउमीन, उसके बाद खाया हमने एक बिरयानी, उसके बाद मोमो, अभी आलू पराठा। ओ माय गॉड, मेरा हस्बैंड का तो मतलब पूछो मत। और वो वीडियो में आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसने शेव नहीं किया, और वैसे बहुत दिन हो गए मैं बोल रही हूँ, उसको टाइम नहीं मिल रहा है, कभी कभी उस वजह से वो वीडियो में आना नहीं चाहता है। उसी लिए आपने उसका वॉइस सुना होगा, पर वो आया नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो हर एक टाइम पे ऑथेंटिक रेसिपी नहीं रहता है। मैं अपने हिसाब से हर एक रेसिपी को थोड़ा सा इजी बना के, थोड़ा सा हेल्दी बना के, थोड़ा सा और कुछ मिला के आपके साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो मैं आपको एक बार बताऊंगी कि आप प्लीज़ एक बार मेरे रेसिपी वाले जो वीडियोज़ रहते हैं उधर पे कॉमेंट सेक्शन को चेक करना, आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलेगा। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि दीदी मैंने आपका ये रेसिपी ट्राई किया, वो ट्राई किया, बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। इसीलिए मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है कि आप ऑल कोई अलग टेक्निक से बनाते हैं, पर इस टेक्निक में भी आप एक बार बना सकते हैं, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाले मोमो ट्राई करना, मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस मोमो की रेसिपी शेयर करने के लिए, कर दिया मैंने, अब खुश होना यार। आप देखते रहिए मेरे चैनल में बाकी वीडियोस, और तब तक हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं। और आप आज डिनर में क्या बनाओगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।